उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, एक बार मैं जब परेशान हुआ, गुरु चरणों को छुआ और कहा, गुरुदेव एक बहुत बड़ा कीड़ा है जिसका नाम पीड़ा है। अच्छा। वो निस्दिन मुझे खोखला कर रहा है, आपका ये कोमल जीते जी मर रहा है। अच्छा। बोले, कौन कोमल? कौन सी पीड़ा? मैंने कहा, गुरुदेव मैं हूँ कोमल और पीड़ा का कीड़ा। बोले, रे मूड मती, तूने अज्ञानतावश जिंदगी बोझिल की है, ये सारी पीड़ाएं इस शरीर रूपी कोमल की है। अच्छा। जबकि तू शरीर नहीं है, आत्मा है। तू ये समझ कि तू सिर्फ आत्मा है, सारी पीड़ाएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। जब तक इस शरीर रूपी कोमल में पड़ा रहेगा, ये पीड़ाएं तो तुझे ऐसे ही सताएंगी। अच्छा। चल, शरीर से बाहर निकल जा। ये कमाल है यार। चल, शरीर से बाहर निकल जा। मैंने पूछा, हाँ? बोले, हाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से ऐसा संभव हो जाएगा। शुरू शुरू में तो लोग तुझे पागल समझेंगे, लेकिन एक बार अभ्यस्त हो गया तो तुझे जीने में अद्भुत आनंद आएगा। हाँ। मैं खुशी खुशी सूत्र लेकर घर आ रहा था, कोमल नहीं हूँ आत्मा हूँ, कोमल नहीं हूँ आत्मा हूँ, मन ही मन दोहरा रहा था कि मुझे एक दुकानदार ने आवाज लगाई, कोमल जी इधर आओ, दुकान का बकाया पेमेंट जमा कराओ। मैंने कहा, कौन कोमल? कौन कोमल? कौन कोमल? कौन सा पेमेंट? बोले, दुकान से सामान उधार ले गए उसका पेमेंट, और आप कोमल? ये देखो, कोमल जी के नाम से खाते में बकाया है। मैंने कहा, यार कोमल जी से लो ना जो भी बकाया है। बोले, फिर आप कौन? मैंने कहा, मैं आत्मा। बोले, और कोमल? मैंने कहा, ये शरीर है कोमल। बोले, पेमेंट देने से मुकर रहे हो, और ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा, गुरुदेव ने कहा था लोग शुरू शुरू में पागल समझेंगे। ये तो समझ रहा है, यानी सूत्र काम कर रहा है, काम कर रहा है। अब मैं अपने घर आया, लेकिन उससे पहले मैंने मेरी आत्मा को समझाया, भाई तू अपने नहीं कोमल के घर आया। मुझे देखते ही पत्नी झल्लाई और जोर से चिल्लाई, सारा सारा दिन भटकते फिरते हो, घर में नहीं टिकते हो, जब घर की जिम्मेदारियां इन्हीं लेनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? मैंने कहा, हे मूर्ख स्त्री, मैंने तुझसे शादी कब की? शादी का कार्ड उठा कर लाई, ये देखो, काव्या संग कोमल, अब बोलो नहीं की। मैंने कहा, कोमल के संग की तो कोमल का सर खाना पगली। मुझे क्यों सता रही है? बोली, आप कोमल नहीं तो कौन? मैंने कहा, मैं आत्मा। अरे बहुत बढ़िया कोमल यार, बहुत अच्छे। बोली, और कोमल? मैंने कहा, ये शरीर है कोमल। बोली, पागल हो गए आप तो। मैंने कहा, सूत्र की साधना सही साथ चल रही है, ये भी मुझे पागल समझ रही है। हालांकि विद्वान तो वैसे भी नहीं समझती थी, पर अब सूत्रानुसार मुझे पागल समझ रही है। अब गुरुदेव के एक सूत्र की वजह से दुकानदार मुझे पेमेंट के लिए परेशान नहीं करते, घर पे पत्नी आराम से पड़ा रहने देती है, मुझे सूत्र में आनंद आने लगा, तो मैं सूत्र को और अभ्यास में लाने लगा। परिणाम थे, मैंने काम पे जाना ही बंद कर दिया, सेल ठप हो गई, कंपनी के अधिकारियों ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में मुझसे पूछा गया, कोमल जी आपके एरिया से सेल क्यों नहीं हो रही है? मैंने कहा, साहब मुझे क्या पता क्यों नहीं हो रही है। बोले, फिर सैलरी कौन ले रहा है? मैंने कहा, साहब कोमल ले रहा है। बोले, फिर आप? मैंने कहा, सर मैं आत्मा। बोले, और कोमल? मैंने कहा, सर ये शरीर है कोमल। तो अधिकारी ने अपने सुपीरियर को फोन पर रिपोर्ट दी, बेचारा सेल के प्रेशर से डिप्रेशन में आ गया है, ज्यादा कुछ कहेंगे तो पागल हो जाएगा। मैंने कहा, सूत्र तो यहाँ भी सही साठ चल रहा है, और ये भी मुझे पागल समझ रहा है। बहुत बढ़िया। अब गुरुदेव के एक सूत्र की वजह से मुझे दुकानदार पेमेंट के लिए परेशान नहीं करते, घर पे पत्नी आराम से पड़ा रहने देती है, काम पे जाने ही नहीं पड़ता है, और सैलरी टाइम पे आती है, मुझे परमानंद आने लगा। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ, क्यों सभी ने गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया, क्योंकि गोविंद ने तो ये दुनिया बनाई, हमें बनाया, लेकिन जीना तो असल में हमें गुरु ने सिखाया। थैंक यू। वाह वाह, बहुत बढ़िया। उसमें से भी हाथ से निकालने का प्रयास किया जी। आप लोग आनंद लेंगे टिप्पणियों का। वो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि कोरोना से बचने के कोई दो उपाय बताओ। अच्छा, कोरोना से बचने के कोई दो उपाय बताओ। उसने कहा, पहला, भीड़ में मत जाओ। और मैंने कहा, दूसरा, अगर भीड़ में जाओ तो फिर भाड़ में जाओ। ओ अच्छे।
अब ऐसी ऐसी स्थितियां आ रही थी, एक एक टिप्पणी एक एक पंक्ति का आप लोग आनंद लेंगे। कोरोना में हमें इतनी बार हाथ धोने पड़े कि लग रहा था कि हाथ से हाथ नहीं धोने पड़ जाए। बहुत बढ़िया, हाथ से हाथ नहीं धोने पड़ जाए। और आप देखिए किस किस के साथ क्या क्या अन्याय किया कोरोना ने। की बात क्या बताऊं संजय, इतना डर लगता था कि जिस साबुन से मैं हाथ धोता था बाद में वो दूसरे साबुन से वो साबुन भी धोता था। स्थिति ऐसी थी। अब मैं, मुझे बात याद आ रही है कि कोरोना ने किस किस के साथ क्या क्या किया जी। कि जो लोग सौंदर्य का रसपान करने के लिए घाट घाट घूमते थे वो जलपान करके खाट पर ऊँगते रहे। क्या ये इशारा अरुण जैमिनी की तरफ है? ये बिल्कुल बिल्कुल ये अरुण जी के लिए है। और भी जो आगे की पंक्ति है ये भी उन्हीं के लिए है। कि प्रेमियों के लिए कोरोना प्रेम चौपड़ा बनकर आया। प्रेमियों के लिए कोरोना प्रेम चौपड़ा बनकर आया, सालों को वैलेंटाइन डे के दिन क्वारंटाइन कर दिया। और साहब जो लोग ब्याह के लिए मरे जा रहे थे, जो लोग उतावले हो रहे थे, सफेद कोरोना किट पहनकर जिन्होंने ब्याह किया, ऐसा लग रहा था जैसे दो प्रेतात्माओं का ब्याह हो रहा। सही है बिल्कुल। अब कोरोना ने पतियों को पतित होने से बचाया। वाह बहुत अच्छे अरुण जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। कोरोना ने पतियों को पतित होने से बचाया क्योंकि वो घर में ही रहे और लुगाई से ही प्रेम करना पड़ा। और एक बात के लिए मैं कोरोना को कोसना चाहूंगा साहब, आप लोग आनंद लेंगे कि हम लोग हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते थे, पिछले दो सालों में नाश जाए इस कोरोना का, इसने हमें हमारी उत्पादन क्षमता और हमारे पुरुषार्थ से वंचित कर दिया। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि कोरोना जो है वो करुणा का विषय निश्चित तौर पर है। पूरी दुनिया ने जो है बहुत कठिन समय देखा है, हम लोग घरों में बंद रहे, बहुत लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, इस बीमारी ने न जाने क्या क्या जुल्म नहीं किया, लेकिन हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी, हमारा जो म्यूनिसिपल स्टाफ है वो, और हर वो व्यक्ति पत्रकार मित्र या जो जो उन सेवाओं में लगे थे जो बहुत ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें